Thank you.
मेरा टुकड़ा, उसका सब कुछ टुकड़ा, किस अमृत से भी होगा फाउंडेशन जैसा होगा वैसी बिल्डिंग बनेगी। फाउंडेशन कच्चा होगा बिल्डिंग भी कच्ची हो जाएगी। बालू के ढेर पर कोई बिल्डिंग बनाए तो फाउंडेशन कच्चा होगा या पक्का होगा? कच्चा हो जाएगा। सारे दिन का फाउंडेशन कौन सा वेला है? अमृत वेला। तो चाहे हद का अमृत वेला हो और चाहे बेहद का अमृत वेला, अमृत वेला का कनेक्शन है सूर्योदय से। सूर्य उदय होने से पहले अमृत वेला है। अब वो चाहे ज्ञान सूर्य बेहद का हो और चाहे हद का सूर्य हो, हद का सूर्य हद का अमृत वेला लाता है और बेहद का सूर्य बेहद का अमृत वेला लाता है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ये तो बाबा ने बेहद के अमृत वेले के लिए बोला है, तो सवेरे को भूख धोते रहो, प्रैक्टिकल अनुभव करके देख लो। सूर्योदय के बाद अगर जगेंगे सोते रहेंगे तो सारा दिन देवान की चटपट चलती रहेगी। अगर सवेरे सवेरे उठकर आदमी के स्टेज में इसे रहेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो सारा दिन वो नशा करा रहेगा, अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। और जैसे चित्र बनाते हैं तो ढेर सारी उसमें लिखते लिख दी, अब उन चित्रों को छपा करके कहीं बड़े महाराष्ट्र पर लगाएंगे, एरोड्रोम पर लगाएंगे, तो कोई बैठ करके खड़े होके पढ़ेगा क्या? इसलिए बताया मोटे मोटे अक्षरों में लिखो, उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है जो तुम्हारी ढेर लिखत पड़ता रहे। बेहद में भक्ति मार्ग के संस्कार संस्कार क्या होंगे? बेहद में भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग में बेहद कहाँ होता है? भक्ति मार्ग में सब कुछ हद में है या बेहद में? ये तो ज्ञान मार्ग में बेहद है। हाँ जी बड़ी आत्मा आती है ज्ञान सुनने के लिए हमारे पास, तो आत्मा बोलते तुम्हारा ज्ञान सुनने से या और कुछ रेडियो सीढ़ी दिखाने से, रेडियो सीढ़ी दिखाने से हमारे को नींद आती है, झुटके आते हैं। जब उन्होंने समझाई नहीं होगा तो नींद आएगी सीधा सीधा, जो वीडियो के ऊपर बैठा दे जो बेसिक कोर्स देते हैं हम। बेसिक कोर्स देते हैं तो पहले उन्हें बेसिक बात बताओ ना। वही बोलते थोड़ा झुटके आते नहीं ऐसा बोलते, उनकी बुद्धि में जब तक बेसिक बात ही नहीं बैठेगी तो आगे की बातें कुछ समझने में उनको रस ही पैदा नहीं होगा। और बीच में कैच भी करना चाहिए कि हमने जो कुछ सुनाया है वो उनकी बुद्धि में बैठा है कि नहीं बैठा है, किस लक्ष्य से आया है। बाबा जैसे अष्टदेव में दूसरे नंबर के लिए वे बोला है कि शंकर की नगरी काशी नगरी, शंकर की नगरी काशी नगरी, और तीसरे नंबर के लिए बोला है भव्य नगर, तीसरे नंबर को जैसे दूसरे नंबर को बोला है कि काशी नगरी है शंकर अष्टदेव, तो तीसरे नंबर को क्या बोला है? भाग्य नगर मान चैतन्य में हैदराबाद, चैतन्य में भाग्य नगर है मान हैदराबाद को ही बोला है, चैतन्य में भाग्य नगर।
जैसे दूसरे नंबर के लिए बोला है शंकर की प्यारी नगरी काशी नगरी, शंकर है आगे और जहाँ वो उनका स्थान है उसको कहा आधार। तो आधार है मन धरणी है, और तो धरणी में जो बीज बोया जाता है वो आधे है, बीज है रचयिता और धरणी है रचना। तो बाकी नगर कहाँ बोला है, अव्यक्तवाणी में या मुरली में? मुरली मुरली में हैदराबाद को बाकी नगर बोला है, अव्यक्तवाणी की मुरली में, अव्यक्तवाणी की मुरली में बोला है मन। अव्यक्तवाणी का जो क्लैरिफिकेशन है उसमें याद है किसी को? नाम बाकी नगर का था, हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था बोलते हैं, हैदराबाद के पहले भाग्यनगर, हैदराबाद नाम होने से पहले हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था, बाद में इनका नाम हैदराबाद। मैंने सतो प्रधान था तो भाग्यनगर था, सतो प्रधान हो गया तो हैदराबाद हो गया, बदलने वाली बात हो गई। अब प्रश्न क्या है? भाग्य तीसरे नंबर वाले को काशी नगरी जैसे दूसरे नंबर को बोला है ना अपने दिन में, ऐसे तीसरे नंबर को, तीसरे नंबर को भाग्य नगर बोला है, ऐसा तो कहीं नहीं बोला। अंदाज लगा लिया क्या? क्या कोई प्रूफ है? हाँ ये बोला है, जब यज्ञ की आरंभ हुआ तो आरंभ में सिंध हैदराबाद की माताओं ने काम किया, नाम वाला किया, और अभी अभी क्या होना है? अभी आज होना है या अंत होना है? अभी अंत होना है, तो अंत में सिंध हैदराबाद तो नहीं है, कौन सा हैदराबाद है? दक्षिण हैदराबाद है, तो दक्षिण भारत में जो दक्षिण हैदराबाद है वहां की माताएं भी नाम वाला करेंगी, नाम वाला करेंगी तो बाकी सारी तो हो ही जाएंगी, बाकी में तीसरे नंबर से कनेक्शन नहीं है या दूसरे नंबर से कनेक्शन है या चौथे नंबर से कनेक्शन है ऐसी कोई बात नहीं। तीसरा नंबर भाग्यशाली है और दूसरा पहला नंबर भाग्यशाली नहीं है, है? है? नहीं है? है? हर बच्चा तो नंबर वाल भाग्यशाली है ना। आपको जो करना है तो हम उसको देने के लिए नहीं बोलते, लेकिन आपको जो हो आपके स्टूडेंट दे रहा हूँ तो वो बोल रहे जो बात करेंगे उसे पोलिटिशन आना चाहिए उधर कोई अस्थिक भी होते नास्तिक भी होते कोई स्टूडेंट उठते जाएंगे तो आप पूरा नहीं मानेंगे, मतलब पूरा मानने की बात नहीं तो वहाँ इंस्टीट्यूशन देते रहेगा तो अगर कोई उठते हुए जो नास्तिक होते हम उसके बारे में बोलेंगे नहीं, तो वो बोले कि आप आपको जो बात कर रहे वो है ना आप उनसे जो बात मास्टर आपके उनसे पूछ के ना बात कर रहे पूरा बोला है बहुत तरीके से ना तो
मतलब मेरे स्टूडेंट दोस्त है, तो इससे वो टीचर लोग इससे उनके पास जाके संदेश रेंट देना हो, इससे आप इससे आप कर लेना है और मैं वो जो जाके छुट्टी दे रहा हूँ तो आप लेना उस टाइम जो पत्र है वो हेल्प करें। पूरी हो गई क्या पूछना चाहते हैं? लंबा प्रश्न है बोलो। नहीं लंबा प्रश्न तो उसका सार क्या पूछना चाहते हैं? भाषा में मराठी मिली हुई है तो समझ में नहीं आया। हाँ क्या आप रुकिए जरा, इन लोगों ने क्या समझा? बहुत बड़ी पब्लिक बैठी हुई है, समझा होगा ना आपकी बात को? हाँ बोलो, कोई ने कुछ समझा है? कॉलेजेस हैं हाँ, तो वहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं हाँ, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा है कि आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स उसमें नहीं होना चाहिए। हाँ स्टूडेंट उनके पास जाए तो वो आपसे परमिशन ले रहे हैं, आप तो कहीं भी जा सकते हैं, बाबा मना थोड़ी करेंगे। वो आपके ऊपर है। क्या तो बताएंगे इसलिए तो रिलीजियो पॉलिटिकल नॉलेज है, रिलीजन को अगर हम धर्म को, धर्म को अगर राजनीति से अलग कर देंगे तो राजनीति राजनीति नहीं रहेगी सच्ची और धर्म सच्चा धर्म नहीं रहेगा। बताना चाहिए था आपको आप सीधा सीधा भाग के इधर आ गए। वर्णा में ब्राह्मण वर्ण तक के लिए क्या विशाल बुद्धि वाला ही है, विशाल बुद्धि वाला ही है। हाँ विशाल बुद्धि हो तो ये भी वो बात को नहीं पहचान के नौ नौ कैटेगरी के ब्राह्मण है ना, नौ कुड़ी के ब्राह्मण है ना, नौ कितने ब्राह्मण है? भक्ति मार्ग में भी नौ, भक्ति मार्ग में जो कुछ भी होता है उसका अक्त कहाँ होता है? जन्म मार्ग, ज्ञान मार्ग में जो भी हुआ है भक्ति मार्ग में उसकी यादगार के रूप में मनाते चले आए, तो भक्ति मार्ग में जो चार वर्ण है वो कहाँ की यादगार? संगम की यादगार। भक्ति मार्ग में जो ब्राह्मणों की नौ कुड़ियां मानी गई है, कहते हैं नौ ऋषियों से नौ प्रकार के ब्राह्मणों ने जन्म लिया, तो कहाँ की बात है? फाउंडेशन कहाँ पड़ा? यहाँ एक प्रकार के ब्राह्मण तो है नहीं, सूर्य रंग से लेकर के और नीचे से नीचे कुल के हैं। कितने सती भी कृष्ण का जन्म होगा? 2006 कितने सती भी कृष्ण का जन्म होगा? कौन से कृष्ण का? सती भी कृष्ण का है। हमारा वार्ता कौन से कृष्ण से है अभी? तो बाबा 9,16,108 की संख्या कब पूरी होगी? 9,16,108 की गिनती तो यही सब पूरी होनी है, यही सारी मालाएं तैयार होंगी, यही सारी मालाएं प्रत्यक्ष होंगी, लेकिन जो दुनिया में आबादी होगी 9,16,108 वो भी संगमी उम्र होगी, लेकिन सब जीवित रहेंगे नई दुनिया में ये नहीं कहा जा सकता। जीवित वही रहेंगे जो पक्के पक्के ब्राह्मण होंगे, कच्चे ब्राह्मण होंगे
तो उनमें भक्ति मार्ग का कोई ना कोई अंश अंत रह जाए, वही वंश पैदा करेगा। भक्ति मार्ग का वंश पैदा करेंगे तो नीति गुरी के ब्राह्मण कहे जा सके। इसलिए पहले ही बोल दिया भक्ति मार्ग की कोई भी निशानी रह जाएगी तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, पक्के ब्राह्मण होंगे उनकी तो कोई निशानी पकड़ में आ न सके। जब संपन्न बनेंगे तो उनकी ऐसी तेज देखने में आ गई। बाबा कुंती कर्ण को क्यों छोड़ देती है और पांच पांडवों के साथ क्यों रहती है? एक है समाज के नियम होते हैं और एक ईश्वरीय नियम होते हैं और मनुष्य के अपने अपने तरीके से अपने नियम भी होते हैं। कोई समाज के नियमों का मुकाबला कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। कुंती ने समाज के नियमों का उल्लंघन उसी समय कर दिया जब कौतूहल बस उन्होंने मंत्र का प्रयोग कर दिया बिना किसी एमआरजेक के। कोई भी काम एमआरजेक पूर्वक किया जाएगा तो उसमें ज्यादा सफलता होगी, या ऐसे ही भक्ति दौर से कोई काम शुरू कर दिया तो सफलता होगी। एमआरजेक चाहिए जो कौतूहल में काम किया सर्जक अच्छा नहीं कर सकता। समाज आ रहे आ गया समाज का मुकाबला नहीं कर पाई। आज जो है कि कार्तिक मास की अमावस है और आज यहाँ लक्ष्मी का हवन पूजन किया जाता है। क्या राज लक्ष्मी का पूजन होता है? क्या राज अमावस को आया भोर अंधकार है, भोर अंधकार में ज्ञान की मांगनी करेंगे। ज्ञान की मांगनी की बात है या धन की मांगनी की बात है? अंधकार किस बात का पूछेगे? अंधकार किस बात का पूछेगे? अज्ञान का पूछेगे। जब दुनिया में घोर अंधकार फैल जाता है कोई आखरा नहीं दिखाई पड़ता, कोई ठिकाना नजर नहीं आता। क्या रुद्रमाला के मन के भी साथ फेल हो जाते हैं? क्यों? अंधकार में है या रोशनी में है? रुद्रमाला के मन के एक प्रैक्टिकल में सफल है या असफल है? असफल है। क्यों? कोई कारण होगा, कुछ न कुछ अंधकार है। नहीं, कुछ न कुछ अंधकार है। जो ज्ञान का असली बीज है वो बुद्धि में नहीं बैठा है, सब लंगड़े है। लंगड़े माने पवित्रता में लंगड़े हैं। मनसा वाचा कर्मणा जैसी पवित्रता की स्टेज होनी चाहिए वैसी स्टेज बहुत ज्ञान होते हुए भी प्राप्त नहीं की। इसलिए किसका आवाहन करना पड़े? विजय माला का आवाहन करो। क्यों आवाहन करो? क्योंकि जो पुरुषार्थी है वो समान स्टेज वाला पुरुषार्थी संगी बनेगा, साथी बनेगा तो प्रवृत्ति मार्ग में प्रत्यक्षता होगी, या असमान पुरुषार्थी सहयोगी बनेगा तो प्रत्यक्षता होगी। समान पुरुषार्थी सहयोगी चाहिए।
और यहाँ है विकार रूप पर विजय प्राप्त करने की बात। भक्ति मार्ग में भी ये बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वहां तो देवान के आधार पर ध्यान रखते हैं कि जो जोड़ी बनाई जाए वो समान होनी चाहिए, तो देवान के आधार पर देखते हैं या ज्ञान के आधार पर देखते हैं? देवान के आधार पर देखते हैं। और यहाँ है, यहाँ बाप आकर ज्ञान की जोड़ी बनाते हैं, समान पुरुषार्थी चाहिए। समान पुरुषार्थी होंगे तो प्रत्यक्षता होगी। जोर से बोलो, नरकासुर कौन है? जो नरक का आसुर है तो नरकासुर, और नरक में तो सबासुर होते हैं। हाँ जी, शास्त्रों में एक ही पार्टधारी को अनेक अनेक नाम रूपों से दिखाई दिए। नरकासुर को चतुर्दशी के दिन ही मारा गया, चतुर्दशी का क्या मतलब? चतुर्दशी के दिन मारा गया नरकासुर को। हाँ, चतुर्दशी का क्या था? वो अंधियारे पाठ की चतुर्दशी थी या उदयारे पाठ की थी? अंधियारे, अंधियारे पाठ की। इसका मतलब वो अंधकार होने से पहले जैसे ही लक्ष्मी प्रकट होने वाली थी, आखिरी देवी कौन है जिसकी आखिरी पूजा होती है? अरे नौ देवियां हैं, उनमें आखिरी देवी कौन है जिसकी लास्ट में पूजा होती है? लक्ष्मी ही तो। उसके उसके प्रत्यक्ष होने से पहले ही वो नरकासुर का वध कर दिया जाता है। अगर नारकी असुर का वध न हो तो लक्ष्मी प्रत्यक्ष होगी भी नहीं। और लक्ष्मी की पूजी साल में एक बार ही करते हैं। लक्ष्मी की पूजी जो है साल में एक बार ही होता है। कंस में एक ही बार तो लक्ष्मी का आवाहन सच्चा सच्चा होता है, और तो कभी आवाहन करते ही नहीं। उन्होंने तो समझ लिया है फूल धन देने वाली है, लेकिन वास्तव में है कौन सी धन की बात? ज्ञान धन की बात है। वो ज्ञान धन पुरुष नहीं दे सकते, क्यों पुरुष क्यों नहीं दे सकते? किसकी बात नहीं बोलते? सब पुरुष दुर्योधन दुष्टासन है, उसने किसी को छोड़ नहीं दिया है। कलयुग में जितने भी पुरुष मात्र हैं वो सब दुर्योधन दुष्टासन है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा को छोड़ दिया या शंकर को छोड़ दिया, नहीं, नारायण को छोड़ दिया। पुरुष में तो आत्मा है। हाँ हाँ, पुरुष में सेते सोती है, जगती नहीं है। पुरु माना पूरी शरीर, शरीर रूपी पूरी में सोती है, सोती है इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर शरीर रूपी पूरी में जागृत अवस्था में हो तो पुरुषार्थ की दरकार ही नहीं। ये बताया है मुरली में, कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? जो खुद ही दुर्योधन तो शासन है, उनको ज्ञान सुनाने से फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान ही होगा ना। फिर तो किसको निमित्त बनाना है? लक्ष्मी का वाहन। क्या बोला?
हूँ बच्चे भाई ऐसे तरह जन्म ले सकते हैं, अंतिम एक जन्म में तो सबको कुछ ही होना चाहिए। ऐसे नहीं बोला, ये बोला कोई कोई बच्चे ब्यासी त्रासी जन्म भी सुख में रहते हैं, तो सब बच्चे नहीं सुखी रहते। नाम भी नहीं लिया, नंबर भी नहीं बताया। कोई कोई बच्चे हाँ जी, तो कोई बच्चे लास्ट जन्म में भी लौकिक रूप से सुखी है, अभी अंतिम जन्म में लास्ट जन्म में सुखी है वो एक अलग बात। तो लास्ट जन्म में तो जो लास्ट में उतरने वाली आत्मा है परम धाम से वो भी सुखी रहेगी, सुखी रहेगी। नहीं, अभी ज्ञान में जो बच्चे हैं उनके लिए, ज्ञान में भी अनेक प्रकार के हैं। ज्ञान में चलने वाले कोई तो ऐसे हैं जो देवता के अंतिम जन्म में जाके कोट पत्र लेंगे, पद की बात है ना। पद पद ही तो उच्च पद जो पालन तभी तो सुख होगा, सुख एक से ही होता है, कलयुग के अंत में जाकर के फिर सुख पावेंगे। हाँ जी, जब जो सत्युग की त्रेता के अंत में सुख पालेंगे वो कलयुग के अंत में भी उसी स्टेज में लेंगे। पहले जन्मों का हिसाब किताब 21 जन्मों के आधार पर बनता है। जो पहले जन्म में उसकी स्टेज वाला है कत्युग में, वो द्वापर के आज में भी उसी स्टेज वाला होगा। इसके पहले जन्म में भी दुखी हो सकता है। कत्युग के अंत में जब भगवान बाप आते हैं उस समय नीची स्टेज होना अच्छा है, नीचा मर्तबा होना अच्छा है या उच्च मर्तबा होना अच्छा है? नीचा मर्तबा हो, क्योंकि भगवान गरीब निवास है। बाबा द्वापरी से त्रेसठ जन्मों में कोई एक जन्म में दान पुण्य करता है तो उसकी प्रारब्ध से कितने जन्म मिलते? भक्ति मार्ग में जो करते हैं गुरुओं के लिए, मनुष्य गुरुओं के लिए, उसकी प्रारब्ध मनुष्य गुरुओं के एक जन्म के लिए मिलती और भगवान से 21 जन्मों के लिए मिलती। महाराज, जो भगवान आने के बाद संगम में प्रदान पुण्य करता है भगवान, भगवान आने के बाद गुरुओं को देता है तो क्या बनेगा? डायरेक्ट भगवान को, भगवान को डायरेक्ट देता है तो 21 जन्म को बनेगा। अगर गुरुओं को देता है और गुरुओं ने कहीं इधर उधर कर दिया तो कितना बनेगा? 21 जन्म का बनेगा। प्रत्येक भाई को लाइट हम संदेश देने बाबा हैं। वो बोलता है आत्मा शरीर के साथ ही मरता है, बोलते हैं आत्मा शरीर के साथ मरता है और बोलता है हम पुनर्जन्म को नहीं मानते। वो बसु तत्वों का प्रचार करता है, वो बसु तत्वों का प्रचार करता है, वो बसु महात्मा बसवेश्वर का प्रचार करता है। वो महात्मा बसवेश्वर जो कर्नाटक में संत हो गए ना 12वीं शताब्दी में, महात्मा बसवेश्वर महात्मा बसवेश्वर। तो महात्मा कहते हुए महात्मा तो सब हुए, जबकि उसकी आत्मा जो है महान कार्य ऐसा करके जाए जो कोई का महान कार्य न साबित हो, तो मात्र आत्मा उनकी खत्म हो गई। तो उसके साथ ही खत्म हो गई, एक ही जन्म के लिए बोलते हो। उनको क्यों मानते हो तुम? बसवेश्वर को क्यों मानते हो? वास्तव में न तो आत्मा कभी खत्म होती और न आत्मा जिस शरीर में रहती है उस शरीर के पांच तत्व कभी नहीं खत्म होते। आत्मा भी अविनाशी है और पांच तत्व भी अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होते। आत्मा भी तत्व प्रधान से तम प्रधान बनती है और पांच तत्व भी तत्व प्रधान से तम प्रधान बनते हैं और तम प्रधान से फिर तत्व प्रधान बनते हैं। ये तो आज के साइंसदान भी मानते हैं कि एलिमेंट कभी खत्म नहीं होता, तत्व सदैव रहे और सदैव रहेगा।
है, परंतु वो आत्मा को नहीं जानते। तो दोनों ही बातें खत्म कर दी, आत्मा भी खत्म हो जाती है और शरीर भी खत्म हो जाता है। अगर खत्म ही हो जाता है तो फिर आता कहां से? अगर हमेशा के लिए शरीर या शरीर के पास तक तो खत्म हो जाते हैं, या आत्मा खत्म हो जाती है तो फिर कहां से आती है? खत्म होते 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 जितना भी होगा इंसान तक खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वर्णों का चित्र कैसे दिखाए? देखा नहीं है? चोटी में ब्राह्मण दिखाए है, मस्तक में देवताएं दिखाए है, भुजाओं में क्षत्रिय दिखाए है, जंघाओं में वैश्य दिखाए है। लौकिक दुनिया में, हाँ, लौकिक दुनिया में दिखाते हो? लौकिक दुनिया में चोटी में ब्राह्मण नहीं दिखाए, बाकी सब दिखाए। कौन सा विष्णु का घर का चित्र है? हाँ जी, और ज्ञान मार्ग विष्णु पद प्राप्त करते हैं वही चार अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहले पहले तो वही तो उसने ब्राह्मण चोटी को बढ़ा दिया है ना, भक्ति मार्ग वाले हैं वो तो संगम युग को जानते ही नहीं है। जो ज्ञान में चलते हैं वो जानते हैं कि ये संगम युग विशेष युग है, सबसे ऊंचा युग है। उसने भी चोटी को उड़ा दिया बोलते हैं बाबा। इसमें ज्ञान मार्ग में से इसको देखने से जो भगत होंगे उन्होंने उड़ा दिया होगा? नहीं, वो चित्र मान तब में है। हाँ, जिन्होंने उड़ा दिया होगा वो भक्त साबित हुए या ज्ञानी साबित हुए? भक्त साबित हुए। आप तो पूछ रहे बाबा, वो संगम युग में है ही नहीं, वो चित्र मान तब में है विराट रूप का ज्ञान मार्ग। क्या पता उन्होंने पुराने चित्र ही खत्म कर दिए तो वो भी खत्म कर दिया होगा? नहीं, में बोला था वार्तालाप में हिस्ट्री हॉल में रखा गया है। हिस्ट्री हॉल कौन था? वो विराट रूप का चित्र हिस्ट्री हॉल में अभी भी है ऐसा बोला था। विराट रूप का चित्र जो म्यूजियम बनाया गया उसमें दिखाया गया था। और शास्त्र में ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ, शास्त्री ने तो 2036 तक 60 साल का संगम भी होते हैं। 60 साल का संगम भी होता है ना, तो 100 साल का संगम भी होता है। शास्त्र में ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ 60 साल माना, जब ज्ञान की प्रत्यक्षता जो है वो सिख लोगों में जैसे मानते हैं कि 12 बजेंगे तब उनकी आंख खुलेगी, तो कोई आत्माएं ब्राह्मण वर्ग में ऐसी है जो जल्दी समझ लेती है, कोई बाद में समझती है। सूर्य जब दोपहर को होगा तो तीखा चमकेगा और सवेरे को उतनी तीखी किरण नहीं होती, तो कोई आत्माएं सूर्योदय होने से पहले ही समझ लेती है, वो ज्यादा श्रेष्ठ होंगे। तो वो समझने वाले हैं सूर्य से, न चंद्रवंशी सूर्योदय से पहले समझते हैं और ना और मंत्र वाले समझते। इसलिए ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान निर्विनाश, माने अपने अंदर को प्रत्यक्षता होनी चाहिए, नित्य बुद्धि बनना चाहिए। कृष्ण की टोल या कृष्ण के जो भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए कहेंगे जो भी उनके लिए ज्ञान सूर्य प्रगटा नहीं कहेंगे? अभी भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठा गीता का भगवान कौन है ग्राहक। तो जब चंद्रवंश और चंद्रमा की बुद्धि में नहीं बैठा है तो और जो वंश बाद में आने वाले हैं उनकी बुद्धि में तो बैठे गए थे। बाबा सुभद्रा तो कृष्ण की पति बहन थी और द्रौपदी तो मुंगोली बहन है, तो भी द्रौपदी कृष्ण को क्या सेवा की? हाँ, क्या हुआ?
सुभद्रा क्यों नहीं मानती कृष्ण को? उसका नाम सिर्फ सुभद्रा है क्या? और उसका नाम ध्रुवपदी है, उसका पद ध्रुव है क्या? भले लक्ष्मी पद नहीं है लेकिन जो भी पद है वो ध्रुव है, कोई हिला नहीं सकता। माया कितना भी हिलाएगी डुलाएगी, मैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी, इसलिए उसका नाम द्रौपदी है, द्रौपदी। और वो सुभद्रा है, भद्र माने कल्याणकारी, कैसा कल्याणकारी? सुंदर कल्याणकारी है वो, कृष्ण की बहन दिखाई जाती है। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण के अंतिम चोले की कोई बहन है? कृष्ण का जो अंतिम चोला होता है चौरासी में जन्म में, उसकी कोई बहन थी? कौन थी? राधा। हाँ जी, जो राधा बच्ची गई थी। मुझे में एक बात क्या आता है, निर्वाह मोक्ष मल का शिकार है। निर्वाह मोक्ष क्या है? निर्वाह कहते हैं जानवर को, कोई भी जानवर, जो जानवर बुद्धि है उनकी मौत होगी, क्योंकि भगवान आते हैं और जानवर बुद्धि नहीं पहचान पाते। और मनु का शिकार, शिकारी है उसका शिकार होगा और जानवर एक शिकारी की मौत हो जाती। मनु ये शिकारी है क्या? है मनु, मनु मैंने शिकारी, सूर्यवंशी से क्या हो गए? शिकारी हो गए। ये सारी दुनिया क्या हो गई? जानवर हो गई। मिलवा मिलवा कृष्ण के जो भाई बहन दिखाते हैं सुभद्रा और बलराम, उसी को जगन्नाथ के भी भाई बहन दिखाई गए। हाँ जी, कृष्ण बलराम दो भाई दिखाए गए हैं और सुभद्रा दिखाई गई है बहन के रूप में। हाँ जी, जगन्नाथ के भी वही दिखाई। हाँ, अब जो बीज रूप में शरीर छोड़ेंगे 4.5 लाख में से, तो उनके शरीर वर्ष में पहले ही शरीर छोड़ देंगे तो उनके शरीर वर्ष में सेव कैसे रहेंगे? छत्तीस से छोड़ देंगे। हाँ, 36 से पहले अगर शरीर छोड़ेंगे तो शरीर छोड़े जो एडवांस पार्टी में जो भी शरीर छोड़ेंगे उनको जन्म जरूर लेना पड़े बाद में दूसरे शरीर से। हाँ जी, का जोर लगा करके माया तुम्हारे लिए दुनिया की स्थापना कर रही है। तो बीच ही होते पांव और हाथ, उसमें भी राइट उसमें भी लेफ्ट, जैसे हाथ होते हैं सहयोगी और पांव होते हैं दौड़ने वाले चलने वाले, तो पुरुषार्थ की चाल है और सहयोगी रहने वाली आत्माएं हैं। तो जो भी है सहयोगी वो भुजाओं के रूप में दिखाई गए, और जो भुजाएं दिखाई गई है वो लेफ्ट और राइट पे, और उनके सहयोगी दिखाई गए 5-5 विशेष उंगलियों के रूप में, तो नाखून दिखाए जाते हैं जैसे माया का पंजा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ऐसे ही जो प्रकृति है उसके 5 तत्व हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आता वो जड़ है और वो चैतन्य भी कोई है। क्या वायु देवता नहीं है? वायु के समान
भलाई करने वाला कोई तो होगा, अग्नि देवता है, अग्नि के समान जलाने वाला कोई तो होगा। तो पांच तत्व का भी परिणामी निकेतन है और पांच विकारों का भी परिणाम निकेतन है। ऐसे टोटल मिलाकर के 20 कहे जाते हैं। और कौन सा काम पूरा करते नहीं सभी हमने उनके बाद शक्तियाँ संहार कारिणी गाई हुई है क्या? कोई देवताएं संहार कारिणी नहीं है, किसका कहन है? शक्तियाँ। और शक्तियों में संहार कारिणी के रूप में जो दुर्गा है वो सात्विक स्टेज है और वही तामसी बनती है तो महाकाली का रूप है। जो महाकाली है वही संहार कारिणी है, अंत करने वाली है, सब असुरों का अंत कर देगी। लोहे से क्या काटा जाता है? लोहा काटा जाता है, जिससे विष मारा जाता है। तो ये स्थिति चाहिए। मैं ये काम करके चली छोड़ती। हाँ जी मणके दिखाए जाते हैं और जो रुद्रिया की रचा जाता है तो मोस्टली कितने सारे ग्राम बनाए जाते थे? 1,00,000 बनाए जाते थे। कहीं कहीं बहुत करके रेयर में देखने में आता था 2,00,000 भी बनाते थे। बुद्धियों के कुछ आत्माएं पहले ही जाती, बाकी जो अभी पुरुषार्थ करने में कच्चे हैं उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा और सूक्ष्म बदन में रहेंगे। परमधाम कोई वापस नहीं जा सकता, लास्ट में सारी कच्चे परमधाम जाएंगे। अभी जो परमधाम में जाना आना होता है वो बुद्धियों की बात है। कोई लंबे समय तक परमधाम की स्टेज में रहता है और कोई थोड़े समय के लिए रहता है। और धर्म की जो आत्माएं होंगी वो ज्यादा समय निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में नहीं टिक सकती है। बाबा में त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना है, हमारे पास तो बाप का चित्र है लेकिन मम्मी छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी का नहीं, हम तो देखे नहीं। गांधी जी को जो देखा नहीं उनके पास चित्र नहीं हो सकता क्या? एक्यूरेट चित्र निकालने से ही प्रत्यक्षता हो जाएगी। ये अपनी चलन और अपनी व्यक्ति अपनी व्यक्ति से अपनी बाप की अपनी बाप की और अपने भाई बहनों की प्रत्यक्षता करेंगे निकालने से हो जाएगा। तो बहुत से पैसे वाले दुनिया में बैठे हुए बाप को प्रत्यक्ष कर रहे। साबित करो पुराने की परिभाषा क्या है और नए की परिभाषा क्या है। पुराना कैसे तो बधाई होता है, नया कैसे तो बधाई होता है। दुनिया की हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है, पहले सतो प्रधान फिर नव प्रधान होती है, पहले सुखदाई फिर दुखदाई होती है।
अब ब्राह्मणों का किला ऐसा मजबूत बन जाएगा जिसमें एक देवी का ही पांव नहीं रख सकेगा। तो अभी फाउंडेशन लग रहा है, मतलब बन रहा है ना, फाउंडेशन बन रहा है, अभी नई दुनिया थोड़ा ही बनी। एक होता है मकान बनना, उस पर एक तो होता है फाउंडेशन डालना, वो तो अंडरग्राउंड डाला जाता है, और एक होता है पहली मंजिल बन जाना। तो पहली मंजिल तो दिखाई पड़ती है कि नहीं दिखाई पड़ती है, अंडरग्राउंड होती है, दिखाई पड़ती है, फाउंडेशन डाल दिया। इसलिए बोला नहीं दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है बात कर। महाभारत लड़ाई योगी शास्त्रों में लिखा हुआ है, चाहे महाभारत में लड़ाई है, चाहे रामायण की लड़ाई है, चाहे देवासुर संग्राम है, सब कहाँ की आजकल ये बात अभी एडवांस वालों को पूछने की दरकार है। दुनिया वाले समझते हैं कि रामायण का युद्ध त्रेता में हुआ था, देवासुर संग्राम प्रसिद्ध में हुआ था, और महाभारत युद्ध द्वापर युग में हुआ था, कलंकी अवतार कलयुग में प्रकट हुआ। लेकिन ब्राह्मण बुद्धि में तो बात बैठ गई ना, ये जो भी शास्त्र में लड़ाइयां वगैरह लिखी हुई है वो कहाँ की यादगार है? सब संगम की यादगार है। अपवित्रता से होता है स्थापना और अपवित्रता से होकर होता है विनाश। तो विनाश के लिए शंकर देवता और महाकाली देवी बताई गई। शंकर विनाश करता है, मुरली में क्या बोला? मुरली में तो नहीं है। और दूसरे शंकर पवित्र है या पवित्र है? पवित्र है। शंकर को तो तीन देवताओं में सूक्ष्म मंत्रवासी के रूप में दिखाया गया। सूक्ष्म मंत्रवासी फरिश्ता होते हैं, ये आसुर होते हैं। तो फरिश्ते पवित्र होते हैं या पवित्र होते हैं? पवित्र होते हैं। तो शंकर की तो बात ही नहीं उठानी थी। महाकाली का रूप दिखाया है अपवित्र। महाकाली के मंदिर में वैसे भी बताया है कि देवी के दो रूप दिखाए गए, कौन कौन से? एक मांसाहारी और दूसरी शाकाहारी। मांसाहारी और मांसाहारी लोग होते हैं वो ज्यादा भिखारी होते हैं या शाकाहारी ज्यादा भिखारी होते हैं? यहाँ मांसाहारी कोई स्कूल बात नहीं है या दे अभिमान का जो भोग करते हैं बुद्धि से वो मांसाहारी है, विचार का जो भोग करते हैं वही मांसाहारी। ज्यादा गंदगी चंडिका देवी के मंदिर में दिखाई जाती है या लक्ष्मी के मंदिर में दिखाई जाती है? गौ कहते हैं इंद्रियों को। क्या? इंद्रियों को। और इंदु कहते हैं चंद्रमा को। इंदु गौओं का इंदु दोनों शब्द मिला दिए तो संधि लिखे, संधि करने से संधि जोड़ने से होता है गौ इंद। देवी के सारे श्लोक लिखते हैं, वो कौन लिखते हैं? कलाकारी है, कलाकार होते हैं वो बहुत कीनियागिरी की बातें करते हैं, बहुत कीनियागिरी के काम करते हैं।
कलाकार भी कहा जाता है। और जैसे सर्कस में चलने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो भी कलाकार होते हैं। जो काम सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है वो करके दिखा देते हैं। चावल में जब गीता लिखी जाएगी तो इन आंखों से देखी जाएगी क्या? यंत्र से नहीं पढ़ेंगे, यंत्र से पढ़ी जा सकती है, यंत्र से लिखी जाएगी। शंकर का रूप संपूर्ण का रूप नहीं है। शंकर का अर्थ क्या है? संकरोति शंकर, संसार का शमन कर देता है, शांत कर देता है संसार को, शांति देवा कहा जाता है। पहले शांति मिलेगी कि पहले सुख मिलेगा? पहले शांति मिलेगी। सुखदेवा सुख नहीं पैदा कर सकता कब तक? जब तक शांति देवा के द्वारा शांति न मिले। विष्णु को संपूर्णता होता है। विष्णु कोई एक व्यक्ति थोड़ी है, विष्णु कई आत्माओं का संस्कारों का समुच्चय है, सामूहिक रूप है। रघुपति राघव से रघुपति को रघु रघु का बच्चा राघव, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, विष्णु का बच्चा वैष्णव, एक मात्रा फादर के अर्थ में या बच्चे के अर्थ में बढ़ जाती है। भगवान आते हैं तो सबसे पहले ज्ञान किसको देते? सूर्य को देते। वो रघुवंशी कहे जाते हैं, सूर्यवंशी कहे जाते हैं। एक देवी को बागंबरी देवी कहते हैं और एक सिंहवाहिनी है। जिनका ज्यादा सीधा साधा होता है या बाघ जिसे टाइगर कहते हैं वो ज्यादा सीधा साधा होता है, और तिकर्मी कौन सा होता है? बाघ तिकर्मी। बाघ होता है तिकर्मी और सिंह होता है सीधा साधा। सिंह सीधा हमला करेगा और बाघ टाइगर सीधा हमला नहीं करेगा, और पहले मौका देगा तो अच्छी तरह परखेगा कि हमला करने में फायदा है या नुकसान हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पशु पशु टाइगर सिंह नहीं है। इतना बुद्धू भी नहीं होना चाहिए जो मांस खा जाए। जो कुमार जो सारा खून पी जाए ऐसा जल जंतु, जितना खून पीता जाएगा उतना मोटा होता जाएगा। जो खून का अंत नहीं रहेगा तो बहुत छोटी दिखाई पड़ेगी, और खून पीता जाएगा वैसे ही चौड़ा चौड़ा बड़ा बड़ा होता जाएगा।
बाबा ने कहा कि पानी एक जैसा है तो भी टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है, टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है, पानी एक जैसा है। ऐसे ही भगवान तो एक जैसा है सबके लिए, लेकिन जो जौ के स्वभाव वाले हैं वो भगवान के साथ ही सिकल स्वभाव अपनाते हैं, घर छिद्र कपट अपनाते हैं, सीधी चाल नहीं चलते। क्या जो कदम वक्र गति पिताने समान, पानी जब एक जैसा है तो जो यूं हूँ कभी यूं हूँ कभी यूं हूँ ऐसी क्यों चलती है? बाप दौड़ा पा देते हैं शनि के दो विशेष सहयोगी है, एक का नाम है धैया और एक का नाम कारकाती। दोनों को खराब हर बात उसी समय नहीं बताई जाती। ढाई में और साढ़े सात में कितना अंतर है? बहुत अंतर। ढाई का दोगुना हुआ पांच और तीन गुना हुआ साढ़े सात। गीता में जब मनुष्य का नाम डाल दिया तो गीता दूसरी हो गई, गीता में जब भगवान का नाम असली पड़ा हुआ है तो गीता असली है, असली और नकली में भेद नहीं होता, एक कैसे? असली गीता है तो उसके मन पर उसके दिल पर किसकी छाप होगी? शिव की छाप होगी। और गीता झूठी है तो किसकी छाप होगी? कृष्ण की छाप होगी। कोई ब्रह्मा के फॉलोअर और कोई शिव को मानने वाले, आत्माएं तो दोनों अलग अलग है कि एक ही है? शिव की आत्मा अलग, शिव शंकर भोलेनाथ की आत्मा अलग, ब्रह्मा तो शिव समान नहीं बनता है, शंकर शंकर तो शिव समान बन जाता है। कोई के 50 वर्ष भी कम हो जाए क्या? भक्ति मार्ग में राम की महिमा और कृष्ण की महिमा दोनों की महिमा दिखाई गई है, एक की महिमा दिखाई गई, लेकिन संपन्न स्टेज की महिमा होती है या अधूरी स्टेज की महिमा होती है? वो संपन्न स्टेज कब हुई? राम कृष्ण की 36 में जाकर के संपन्न स्टेज होगी तो औरों की कब होगी? हाँ कब होती है?
2018 में बच्चे के साथ बाप का भी जन्म है, बच्चे का जन्म है और बच्चे के साथ बाप का भी जन्म है, दोनों की साक्षात प्रत्यक्षता होती है। इसलिए भक्ति मार्ग में राम और कृष्ण दोनों का गायन है, एक का रचयिता के रूप में और दूसरे का रचना के रूप में। तो आदर्शन से जो बच्चे जन्म लेंगे वो 36 के बाद जन्म लेंगे तो कितना है साल तक चलेगा, 150 साल तक? ठीक है, बिजली पास माँ की चले वर्ष में डबल रहेंगे वहाँ 4.5 लाख के बिंदु पार्वती ये शरीर धारी दिखाई जाती है, जोड़ा कैसे जाएगा? पार्वती बीज रूप स्टेज वाली है क्या, तो वो जोड़ी कैसी है? बिंदु के साथ बिंदु को ही जोड़ा जाएगा। बाबा बिच्छू के बच्चे जन्मते हैं और बाद में माँ को क्यों मार जाते हैं? किताब दिखाया गया है बिच्छू एक ऐसा प्राणी है कि बिच्छुनी से जब जन्म बच्चे लेते हैं तो वो सामान्य रूप से जन्म नहीं लेते हैं जैसे और प्राणियों से जन्म होता है, वो बिच्छू है डंक वाला, वो जब जन्म लेंगे तो पेट फाड़ के ही जन्म लेंगे। मतलब वो बच्चे जब प्रत्यक्ष होते हैं तो माँ का बुद्ध रूपी पेट फट जाता है, इसे कहते हैं ब्रेन हैमरेज हो गया। ब्रेन कहो बुद्धि कहो बुद्ध रूपी पेट कहो, बुद्धि काम ही नहीं करेगी, इतना टेंशन बढ़ जाए। रुद्रमाला की मणके रुद्रगण उनके लिए क्या गाएंगे शास्त्र? रोते रोते तो पैदा हुए, जो खुद रोते रोते पैदा होता है वो दूसरों को रुलाता है या दुख देता है? इसकी पैदाइश भी रोने से है सुख से है और दूसरों को भी दुख ही देता है। पहले तो अपनी अम्मा को ही दुख देते हैं, इसलिए शास्त्रों में क्या लिखा है शंकर के वीर से बिच्छू के अंदर पैदा हुए। कौन से है बिच्छू के अंदर? ये कोई को कोई न बिल्कुल मोह का कारण, कोई को हाथ नहीं है, कोई को कान नहीं है, कोई को आंख नहीं है, कोई अंधा है, कोई को विहीन है, कोई है बहुत बहु 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 है, जैसे सन्मुख Yeah.